मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। 2002 के बाद मेरी छवि बहुत खराब हुई, खराब कर दी गई गोधरा के बाद। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। हम माँ गंगा की गोद में हैं और इस वक्त हमारे साथ काशी का लाडला, हीराबा का लाडला, देश के बड़ा प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माँ गंगे, जय महाकाल। कैसे हैं आप? मैं वैसा ही हूँ जैसा चुनाव प्रारंभ हुआ उसके पहले था। ये चुनाव आपके लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों है? कोई भी चुनाव महत्वपूर्ण होना ही चाहिए और हर व्यक्ति के जीवन में हर दिन महत्वपूर्ण होना चाहिए, हर पल महत्वपूर्ण होना चाहिए हर किसी के लिए। मैं हर एक को कहूंगा कि ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, फर्ज कीजिए कि अगर आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं तीसरे टर्म में, तो वो पहली चीज क्या होगी? मैं हैरान हूँ आप इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रही हो। माँ गंगा के किनारे पे खड़ी हो, पूरा देश आप घूम करके आई हो, देश में आप लोगों से मिली हो, आपने देखा है। ये चुनाव मोदी नहीं लड़ रहा है जी, ये चुनाव 140 करोड़ देशवासी लड़ रहे हैं। और जो मनोभाव लोगों के देखे हैं, मेरा बहुत लंबा अनुभव है चुनावों का, जनता के मिजाज का अनुभव है, उनका तजुर्बा मैं समझ सकता हूं। तो ये चुनाव से भी काफी ऊपर की अवस्था है, ये वोट देकर के छूटने वाली अवस्था ही नहीं है। वोट दिया और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया ऐसा नहीं है, वो मोदी से जुड़ चुके हैं और अधिक जुड़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि देश ने कई सरकारों के मॉडल देखे, लेकिन भाजपा ने एक ऐसा मॉडल दिया है जिसमें आधुनिक भारत का संकल्प भी है, सपने भी है, और जिसमें साफ साफ देश के सामान्य मानवीय जो 70-75 साल से इंतजार कर रहा था, जिसको लगता था कि आजाद होने के बाद ये सब उसे मिल जाएगा, उसको मिला नहीं, वो देने का काम आज मोदी कर रहा है। और इसलिए मुझे जो जमीनी सच्चाई है वो मेरे साथ जुड़ चुकी है, और जो खास करके युवा जनरेशन जिसने बुरे दिन देखे नहीं थे 2014 के पहला, जिसने उसको 5-7-10 साल की आयु का था, उसको लगता है यार स्पेस में रिफॉर्म हो रहा है, चंद्रयान हो रहा है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, स्टार्टअप हो रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनने वाला है, फार्मा का हब बनने वाला है, ये उसको लगता है ये तो बिल्कुल दुनिया के लिए हमारा सब कुछ खुल जाएगा। जब वो देखता है कि हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, और जब वो सोचता है कि यार दुनिया में हम सेकंड नंबर पर हैं मोबाइल एक्सपोर्टर के रूप में, तो मेरा नौजवान अपने सपनों को मेरे सफलताओं के साथ बुन रहा है वो, और बुन करके वो ऐसा धागा बना रहा है जिस धागे के कारण उसको अपने भविष्य की गारंटी दिखती है। इतना कॉन्फिडेंस, आप लबरेज हैं कॉन्फिडेंस से, मतलब आपको नर्वसनेस जरा भी नहीं है? पहली बात है शायद वो मेरी डिक्शनरी में शब्द नहीं है नर्वसनेस। दूसरा, मैंने जीवन तपस्या की है जी, मेरा पल पल मैंने खपाया है, देशवासियों के लिए खपाया है, अपने लिए नहीं खपाया है। और मैंने इनके लिए इतने खपाया कि मुझे मालूम है कि बहुत ही डिजर्विंग लोग हैं, इनके साथ 70 साल तक अन्याय हुआ है, और जब उनके आंसू कोई पहुंचता है, उनके टॉयलेट की कोई चिंता करता है, वो भूल नहीं सकता है। कोरोना का कठिन काल चूल्हा बुझने नहीं दिया था, बच्चों को भूखा सोने नहीं दिया था, क्यों? एक सरकार थी जिसने कहा था अनाज के भंडार पड़े हैं लेकिन हम दे नहीं सकते हैं। एक ये सरकार है जिसका संकल्प है किसी का घर का चूल्हा मैं बुझने नहीं दूंगा। ये जो इमोशनल साइड है आपका, 15 साल से ज्यादा वक्त गुजरात में,
10 साल यहाँ केंद्र में एक बहुत ही कड़े प्रशासक के तौर पर आपकी एक इमेज जो है निकल कर आई है, लेकिन हाल के दिनों में ये दिख रहा है कि आपका एक कोमल मन है जो रह रहकर बाहर आ जाता है। आप बहुत इमोशनल आदमी है लेकिन उसे दुनिया से छुपाते हैं। ऐसा है कि अब टीवी का जमाना है तो लोगों को पता चल जाता है। ये कोई बाद में आई हुई चीजें नहीं होती हैं, जन्मजात होती हैं। और वो शायद मेरी स्ट्रेंथ भी है, दुनिया के नजरों में वो वीकनेस भी है, और विरोधियों के लिए ताना मारने का एक अवसर भी है। लेकिन मैं इन सब से परे हूं। मोदी आपका बच्चा है, आपने इसको बना बनाया है, आपने इसको पाल करके बड़ा बनाया है। कुछ कमी रह गई मैं ठीक करूंगा, अच्छा होगा तो आगे बढ़ाऊंगा। मैंने दो पर्सनालिटीज आपकी बताई, एक तो बेहद इमोशनल, एक कड़ा प्रशासक, लेकिन आपके विरोधी इन दोनों के इतर एक ऐसी इमेज आपकी उकेरते हैं जिसमें आप ऑटोक्रेट हैं, तानाशाह हैं, जहां आपके कोई राजनीतिक साथी साथ नहीं होते हैं, आप किसी का साथ पसंद नहीं करते। वो कहते हैं ये आदमी क्या समझेगा परिवार, इसका तो परिवार ही नहीं है। सचमुच में सवाल उनको पूछना चाहिए कि आप देश के लिए निकले हो, परिवार के बाहर कब निकलोगे, ये सवाल उनको पूछना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी का पूरा कैंपेन फैमिली कैंपेन बन गया है, बाकी सारे दल इंडियन अलायंस के हैं। आप तमिलनाडु देखिए, परिवार कैंपेन कर रहा था। आप कर्नाटका देखिए, परिवार कैंपेन कर रहा था। आप आंध्र देखिए, परिवार कैंपेन कर रहा था। आप तेलुगु तेलंगाना देखिए, परिवार कैंपेन। आप उत्तर प्रदेश देखिए, दो परिवार कैंपेन कर। जम्मू कश्मीर देखिए, दो परिवार कैंपेन कर रहे हैं। सवाल मीडिया के उनको होने चाहिए कि क्या हुआ कि इतने साल के बाद भी आप परिवार से बाहर निकल क्यों नहीं पाते हो। मैं परिवार से जुड़ा नहीं हूं, ये गुनाह नहीं होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। ये लोकतंत्र की सबसे ऊंची अमानत है कि जो इंसान अपने परिवार के लिए नहीं जीता है, जो इंसान देश को अपना परिवार मानता है, मेरा भारत मेरा परिवार, उसके लिए जीता है। अब ये क्वेश्चन मार्क लग जाए तब मुझे होता है कि क्या इरादे होंगे। आपको तकलीफ होती है इस बात को लेकर कि ये आइडियोलॉजिकल वॉर कम है, वैचारिक जो लड़ाई है वो कम है, आपसे नफरत ज्यादा है। मतलब अगर ये मोदी ने किया है तो पक्का कुछ गड़बड़ है इसकी, इसमें कुछ खराब है। कठिनाई ये है कि जब इंसान तर्क के आधार पर, तथ्य के आधार पर और जमीनी हकीकतों के आधार पर पूरी प्रकार से निराश हो चुका होता है, कुछ हाथ नहीं लगता है, तब वो टेबल पछाड़ता रहता है, चिल्लाता रहता है, अनाप शनाप बोलता रहता है। अब मेरे सामने दो रास्ते हैं कि जो हो हल्ला हो रहा है मैं अपना ध्यान उसमें केंद्रित करूं, कि मैं जिस संकल्प को लेकर के चला हूं मैं अपने आप को वहां समर्पित करूं। तो मैंने अपने आप को अपने संकल्पों के लिए समर्पित कर दिया है। और मैं योग का इंसान हूं, मैं ध्यान को जीता हूं, मैं ध्यान करता हूं, इसलिए मैं ध्यान को जीता हूं। और इसलिए कितनी ही कोलाहल के बीच में मैं अपने आप को निर्विकल्प निराकार संकल्प के साथ जुड़ा हुआ है, चला जा रहा हूं। मुझे आपको ये एहसास नहीं, मतलब आपको आपको सच में तकलीफ नहीं होती? आप वाहिद ऐसे शख्स हैं पॉलिटिकली जिसको इतना कोसा गया है, और ये अतिशोक्ति नहीं है जब मैं आपसे कह रही हूँ। मतलब आप किसी भी पर्सनालिटी को सोचिए तो उसको विपक्ष की तरफ से ऐसे नहीं कोसा गया जैसे आपको कोसा गया। हमारे शास्त्रों में कहा है कि निंदक नियरे राखिए, और मैं ये साफ मानता हूं अगर इतने आलोचक न होते, टीवी मीडिया का वो जमाने में थोड़ा कम था, लेकिन जो भी बैठे थे वो एक विचारधारा से प्रेरित लोग थे, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप से जुड़े हुए थे,
तो उन्होंने सोचा कि इस आदमी को गालियां दे दे करके हम इस पूरे एक इंस्टीट्यूट को और पूरे एक विचार प्रवाह को ही तबाह कर देंगे। ये भूल गए कि उन्होंने ऐसा करके मुझे बहुत बड़ा बना दिया, वरना मुझे कौन जानता था जी। ये गालियों देने के कारण, और इसलिए मैं आपको आश्चर्य, मैं गुजरात में पब्लिक मीटिंग करता था ना, तो मैं पूछता था भाई कोई काले झंडे वाला आया है कि नहीं आया है। तो फिर वो मेरे सामने, मैंने कहा भाई दो चार काले झंडे वाले लाइए, तभी तो कल अखबार में आएगा कि मोदी जी ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया। मैंने कहा एक लाइन नहीं छपेगी, दो चार काले झंडे वाले रखो भाई, क्योंकि मेरा पॉजिटिव प्रचार संभव ही नहीं है। तो मैंने कहा कोई नेगेटिव वाला आ जाएगा तो कम से कम ये खबर आएगी कि मैं मोदी उस गांव में वो कार्यक्रम कर रहा था, क्या कर रहा था वो भी नहीं आएगा तो फिर कोई सोचेगा। एक बार मेरे यहाँ कुछ लोग आए गुजरात में, वो कह रहे वो मिठाई विठाई लेकर के आए और बड़े 40-50 गांव के प्रधान आ गए, बोले हमारे गांव में 24 घंटे बिजली हो गई तो हम आपको सम्मान करने आए। मैंने कहा झूठ बोल रहे हो, 24 घंटे बिजली हो ही नहीं सकती। नहीं, बोले हो गई है। मैंने कहा बताओ किस अखबार में छपा है, किसी टीवी में आया क्या? नहीं, बोले वो अखबार में तो नहीं आएगा। तो मैंने कहा आपकी बात मान लो, बोले मान लो। चल, मैंने कहा चलो मिठाई खिलाओ। तो मैं इन चीजों से निकला हूं, तो मैंने इसका आनंद लिया है। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। 2002 के बाद मेरी छवि बहुत खराब हुई, खराब कर दी गई गोधरा के बाद। সংসদের মজিয়াত এখন আইন প্রণয়ন করা হল, যখন আইনের নাম আছিল টু মেম্বার কনস্টিটুয়েন্সিস এবলিশন অ্যাক্ট 1961, টু মেম্বার্স কনস্টিটুয়েন্সিস এবলিশন অ্যাক্ট 1961। যখন আমার ভিউয়ার্সে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি করে আছে, তেওঁলোকৰ কারণে তথ্য সমূহ গুরুত্বপূর্ণ। APSC হোক বা UPSC হোক, বিভিন্ন পরীক্ষার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি করে আছে, এই তথ্য সমূহ তেওঁলোকৰ কারণে গুরুত্বপূর্ণ। টু মেম্বার্স কনস্টিটুয়েন্সিস এভলিউশন অ্যাক্ট এখন প্রণয়ন করে এই ব্যবস্থার অন্ত পেলোয়া হয়েছিল। তেতিয়াৰ আৰম্ভ হৈছিল 1962 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন, অৰ্থাৎ 62 চনৰ তৃতীয়টো লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰা এটা সমষ্টি এজন সাংসদৰ যি নিয়ম, সেই নিয়ম আৰম্ভ হৈছিল। SC আৰু ST সকলৰ কাৰণে পৃথক পৃথক সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল। 1962 চনত SC কাৰণে চিডুল কাষ্ট লোকসকলৰ কাৰণে 79টা সমষ্টি সংৰক্ষিত কৰি ৰখা হৈছিল, অৰ্থাৎ সেই আইনখন প্ৰণয়ন কৰাৰ পিছত সংবিধানৰ এনে বহু দফাৰ অধীনত নতুন নিয়মৰ সৃষ্টি কৰা হৈছিল আৰু সেই নিয়মসমূহৰ যোগেদি SC আৰু ST সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ কাৰণে কিছু বিশেষ সমষ্টি, তেওঁলোকৰ অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহৰ কিছু বিশেষ সমষ্টি তেওঁলোকৰ কাৰণে সংৰক্ষিত কৰা হৈছিল। উদাহৰণস্বৰূপে কোকৰাঝাৰ এটা ST কাৰণে সংৰক্ষিত সমষ্টি হৈ পৰিছিল, বা অন্যান্য বহু তেনেধৰণৰ সমষ্টি আছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত যিবোৰ সমষ্টি SC আৰু ST কাৰণে সংৰক্ষিত কৰা হৈছিল। 1962 চনত SC কাৰণে 79টা সমষ্টি সংৰক্ষিত কৰা হৈছিল আৰু ST কাৰণে 30টা সমষ্টি সংৰক্ষিত কৰা হৈছিল। আজিৰ তাৰিখত SC কাৰণে, চিডুল কাষ্টৰ কাৰণে 84টা সমষ্টি সংৰক্ষিত, তাৰে এটা অন্যতম হৈছে আমাৰ শিলচৰৰ সমষ্টিটো। পূৰ্বতে কৰিমগঞ্জ সমষ্টিটো সংৰক্ষিত হৈ আছিল, কিন্তু সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত কৰিমগঞ্জ সমষ্টিটো অপেন কৰি দিয়া হ'ল, শিলচৰ সমষ্টিটো সংৰক্ষিত কৰি ৰখা হ'ল। 47টা সমষ্টি ST কাৰণে সংৰক্ষিত, অসমৰ ডিফু সমষ্টিটো যেন ST কাৰণে সংৰক্ষিত, বা কোকৰাঝাৰ সমষ্টিটো অসমৰ 14টা সমষ্টিৰ ভিতৰত ST কাৰণে সংৰক্ষিত সমষ্টি। গতিকে তেনেধৰণৰ নিয়মবোৰ প্ৰৱৰ্তন হ'ল, কিন্তু প্ৰিয় দৰ্শক, এনে এক সময় আছিল যিটো সময়ত ভাৰতবৰ্ষত এটা সমষ্টিৰ পৰা দুজন সাংসদ নিযুক্ত হৈছিল। মই গোৱালপাৰা গাৰো হিলছৰ কথা ক'লোৱেই, তেতিয়া যিসকল ভোটাৰ মন কৰিব, তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত ভোটাৰৰ সংখ্যাও কম আছিলে। প্ৰথমটো সাধাৰণ নিৰ্বাচনত ভাৰতবৰ্ষত ভোটাৰৰ সংখ্যা মাত্ৰ 18 কোটি আছিলে, তাৰে 44% মতাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছিল, অৰ্থাৎ প্ৰায় 8 কোটি লোকে মতাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছিলে আৰু 44% ভোট কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছিলে, লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে, সৰ্বাধিক সদস্যৰ সংখ্যা তেওঁলোকৰে আছিলে। সেয়া অন্য বিষয়, বিভিন্ন সময়ত এই সন্দৰ্ভত আমি বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছোঁ। যিসকল মতদানকাৰী, বিশেষকৈ তেতিয়াৰ গোৱালপাৰা গাৰো হিলছৰ যিসকল ভোটাৰ্ছ, তেওঁলোকে দুজন প্ৰাৰ্থীক নিৰ্বাচিত কৰিবলগীয়া হৈছিলে। পৃথক ইলেক্টৰেটৰ ব্যৱস্থা নাছিলে। যিসকল ভোটাৰে চিতানন্দ ব্ৰহ্মচৌধুৰীক জয়ী কৰিছিল, সেইসকল ভোটাৰে আকৌ মহম্মদ আমজাদ আলীকো জয়ী কৰিছিল। পৃথক ইলেক্টৰেটৰ ব্যৱস্থা নাছিলে, প্ৰিফাৰেঞ্চিয়েল ভোটিঙো নাছিলে, পৃথকে পৃথকে
প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল তেওঁলোকে আৰু সেই ধৰণে পৃথকে পৃথকে ভোটাৰসকলে নিজৰ পছন্দৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচিত কৰিবলগীয়া হৈছিল লুচাই হিল। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। 2002 के बाद मेरी छवि बहुत खराब हुई, खराब कर दी गई गोधरा के बाद। हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं मोदी जी, न्यूज 18 इंडिया का वो कार्यक्रम है मोदी वतन मुसलमान। हम ज्यादातर उन जगहों पर जाते हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता भारी संख्या में है। पहले आलम अलग था और आज की तारीख में मैं आपको पूरी गंभीरता से और संजीदगी से कह सकती हूँ कि ऐसे ऐसे मुसलमान आगे आते हैं जो आपके लिए जान दे सकते हैं। और एक उनका वाक्य है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, बड़ा जोर शोर से ऐसे करते हुए नजर आते हैं। बावजूद उसके आप उस धारणा को तोड़ने में क्या नाकामयाब रहे हैं कि मोदी मुसलमानों का नहीं है? पहली बात यह है कि ये मुद्दा मुसलमान का नहीं है। इंडिविजुअल मुसलमान कितना ही मोदी के साथ होगा लेकिन एक निश्चित विचार प्रवाह है जो उनको आदेश करता है कि आप ये करो या आप वो करो, उसके आधार पर वो निर्णय करते हैं। अहमदाबाद में एक माणिक चौक करके जगह है, वो माणिक चौक में शाम को लोग खाना खाने जाते हैं, खावा नोने पीवा नोने, पर वहां दिन में जो बिजनेस है सारे व्यापारी हैं और खरीदार सारे हिंदू हैं। बड़ा यूनिक मार्केट है, मतलब सारे व्यापारी मुसलमान, सारे व्यापारी मुसलमान है और सारे खरीदार हिंदू है। और वो इतनी भीड़ होती है जी, पैदल नहीं चल सकते आप, साइकिल को तो लेके जाना इम्पॉसिबल है। अब दिवाली में बड़ी बहुत है ना, आप अंदर गए 2 घंटे से निकल नहीं सकते और हर प्रकार की चीजें बिकती है वहां। मैंने कहा मुझे उसी मार्केट में सर्वे करना है, वहां सर्वे करो। तो मैंने लड़कों को भेजा और मैं डेली रिपोर्ट लेता था। वो गए, पूछते थे कि आप बताइए दिवाली कैसी है। नहीं यार दिवाली बहुत अच्छी है, ये मैं 2002 की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं अभी आपसे पूछने वाली थी 2002 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। नहीं बोले दिवाली बहुत अच्छी है। फिर वो कहता था उसको जरा चुभने के लिए, वो कहता था देखिए मोदी बैठा है यार दिवाली, हे मोदी का नाम मत लो। ये बच्चा होता था उनका, बोले इसकी माँ सुनेगी ना तो मुझे रात को खाना नहीं देगी। बोले क्यों? अरे बोली मोदी नहीं आया ना तब तक ये स्कूल नहीं जाता था। बोले मोदी आया तो स्कूल जा रहा है, ये दिवाली की छुट्टी है तो मेरे यहाँ दुकान पे मेरी मदद कर रहा है। बोले पहले कभी दुकान पे नहीं आता था, बोले मेरा सर फूट जाता था। बोले उसकी माँ इतनी खुश है कि मेरे बच्चे सब उनका जीवन बन रहा है। तो बोले मोदी के खिलाफ मेरे यहाँ घर में मत बोलो बोले। और करीब करीब 90% दुकान वालों का तर्क अलग अलग होंगे, यही जवाब था। मेरा पहले से मंत्र रहा है सबका साथ सबका विकास। मैं वोट बैंक के लिए काम नहीं करता हूँ और जो गलत है वो सब मैं गलत कह के रहूंगा। स्टेज पर आपने मुसलमानों का जब जिक्र किया तो घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी? मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं आप? हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी हाल है जी, उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। किसी भी समाज के हो, गरीबी जहाँ है वहाँ बच्चे भी ज्यादा हैं। तो आप कह रहे हैं मुसलमान अलग था, ज्यादा बच्चा पैदा करने मैंने अलग था? मैंने ना हिंदू कहा है ना मुसलमान कहा है, मैंने कहा है कि भाई आप उतने बच्चे हो जिसका आप लालन पालन कर सको, सरकार को करना पड़े ऐसी स्थिति मत करो। इस बार मुसलमान आपको वोट देगा, आपको उनके वोट की जरूरत है? मैं ये मानता हूँ कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। अगर मैं घर देता हूँ, मैं सैचुरेशन की बात करता हूँ, 100% डिलीवरी, इसका मतलब हुआ गांव में मानो 200 घर है
कौन समाज है, कौन जाति है, कौन धर्म है, नो, उन 200 घर में अगर 60 लाभार्थी हैं तो उन 60 लाख लोगों को मिलना चाहिए। और जब मैं 100% सेचुरेशन का मतलब होता है वो सच्चा सामाजिक न्याय है, वो सच्चा सेकुलरिज्म है। जब आप उसमें करप्शन की भी संभावना नहीं रहती कि आपको मालूम है भले उसको मंडे को मिला है ना, अगले मंडे को मेरा नंबर लग जाएगा। मैं इस बात की गवाह तो मैं भी हूँ। हाँ। मुसलमान ये बात कहते हैं। हाँ। और ये मानते हैं कि उनके घर पे सड़क आई है, बिजली आई है, उनके घर पे सिलेंडर आया है, शकीला और शकुंतला में किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। हाँ। और ये रहा आपका नमो घाट। कैसा लगता है जब आप ये देखते हैं तो? कैसा लगता है ये बदलाव? पहली बात है कि मैं मानता हूँ कि काशी में घाट और काशी की पहचान है, लेकिन उसमें आधुनिकता होनी चाहिए, व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और उसमें से मुझे एक ये नमो घाट बनाने का विचार आया। और इन दिनों शाम को बहुत बड़ी मात्रा में लोग यहाँ आते हैं तो वो पुराना और इसको जोड़ करके देखते हैं। और मैंने उस पुरानी परंपराओं को भी बचा के रखा है और मैंने उसको आधुनिक रूप भी दिया है, विरासत भी। और लगातार लगातार गंगा को नमन, यहाँ क्यों आते हैं, नमो गंगा, ये नमो गंगा है। अच्छा ये बताइए, मेरे दो क्विक आखिरी सवाल है। पहला तो ये कि ये कहा जाता है कि 400 पार अगर मोदी ले आएगा तो फिर विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष एक मजबूत स्थिति में होगा तभी तो लोकतंत्र चल पाएगा। आप क्यों चाहते हैं कि सब आप ही के पास आ जाए? मैं चाहता हूं कि विपक्ष मजबूत बने, मैं इसी के लिए मेहनत कर रहा हूं। लेकिन मजबूती का मतलब ये नहीं कि हाउस न चलने दे, उड़दंग करे, अनडेमोक्रेटिक वे में काम करे। भारत का दुर्भाग्य है कि पिछले 10 साल ये लोग पूरी तरह विपक्ष के रूप में भी फेल गए। उनके खाते में विपक्ष के नाते काम किया एक काम नहीं है। जो लोग विपक्ष में फेल गए वो शासन में कैसे सफल हो सकते हैं? और भारत में मजबूत लोकतंत्र की बहुत आवश्यकता है, मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है। और इसलिए शरद पवार ने एक अच्छा सुझाव दिया है और मैं उसका स्वागत करता हूं। उन्होंने सुझाव दिया है कि सभी छोटी पार्टियों ने कांग्रेस में मर्ज कर देना चाहिए। कांग्रेस में मर्ज करना नहीं करना, कहां करना, वो मेरा विषय नहीं है। देखिए इसका अर्थ मैं ये निकालता हूं, अगर ये मर्ज हो जाते हैं, क्योंकि उनको चिंता ये है इस चुनाव में मान्य विपक्ष संभव नहीं होगा, इतनी सीटें भी नहीं आएगी कोई रिकग्नाइज अपोजिशन बने। और इसलिए अगर मर्जर कर देंगे तो नंबर थोड़ा हो जाएगा तो हम मान्य विपक्ष बनेंगे। दूसरा, आपको आश्चर्य होगा, मैंने कानून में परिवर्तन किया था। हमारे यहाँ बहुत सी योजना ऐसी है, बहुत सी कमेटियाँ ऐसी है जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन बैठ सकता है और बड़े महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं। तो मैंने कानूनी परिवर्तन किया कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन है ही नहीं, क्योंकि 2014 से 2019 तो उनके पास सीटें नहीं थी। मैंने कहा लार्जेस्ट पार्टी का लीडर उसको बिठाओ, मैं इतना डेमोक्रेट हूँ, वरना मैं नहीं बिठा था, मुझे कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने किया है। मुझे पता है वक्त की कमी है, लेकिन पिछली बार जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, और बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस सवाल पर बहुत खिल्लियाँ उड़ाई थी, लेकिन वो सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि खेत में गन्ना काट रही एक औरत ने मुझसे ये कहा था, और आज फिर मैं वो सवाल आपसे पूछूंगी। 5 साल पहले मैंने आपसे कहा था आप थकते क्यों नहीं है, आज 5 साल बीत जाने के बाद आप ज्यादा एनर्जेटिक मुझे लग रहे हैं, ज्यादा आपने रैलियां की है, ज्यादा आप काम कर रहे हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं है? पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूं तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ, गलत हो सकता हूँ, लो जालो लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे, मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है, ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है, इसलिए मुझे विधा भी दी है, इसलिए मुझे सामर्थ्य भी दिया है, इसलिए मुझे नेक दिली भी दी है, और प्रेरणा भी वही दे रहा है, पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य भी दे रहा है,
और मैं कुछ नहीं हूं, एक इंस्ट्रूमेंट हूं जो ईश्वर ने मेरे रूप में मुझसे लेना तय किया है। और इसलिए मैं जब भी कुछ करता हूं तो मैं मानता हूं शायद ईश्वर मुझे करवाना चाहता है, क्या परिणाम होगा चिंता छोड़ो, मैं सिर्फ ईश्वर को समर्पित हूं। दूसरा, लेकिन उस ईश्वर को मैं देख नहीं सकता हूं, तो मैं भी एक पुजारी हूं, मैं भी एक भक्त हूं। तो मैंने 140 करोड़ देशवासियों को ईश्वर का रूप मान करके चलता हूं, वही मेरे भगवान है। आप भगवान के बीच में हैं और भगवान आपके साथ है, माँ आप में समाई हुई है, आपको खूब सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 जून को फिर हो सकता है आपसे मुलाकात हो, ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। 2002 के बाद मेरी छवि बहुत खराब हुई, खराब कर दी गई गोधरा के बाद। तो अनुरूप धोने